हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांशालिया एंड आई एम पुष्पांशली चालिया। सो आज हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ेंगे क्लास फोर की मैथ्स बुक, मैथ्स मैजिक बुक की लेसन। व्हाट यू कैन सी इन दिस इमेज, सी देयर इज अ स्केल गिवन। आपके सबके पास में ऐसा एक स्केल होगा। ये 24 सेंटीमीटर की स्केल है, एक पेज में 24 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर की एक स्केल इसमें दी गई है। लॉन्ग एंड शॉर्ट से आप क्या समझते हैं? लॉन्ग यानी कि लंबा, शॉर्ट यानी कि छोटा। जैसे कि ये लॉन्ग लाइन हो गया, ये शॉर्ट। इसी तरह से आप अपने भैया आपके लॉन्ग होंगे तो आप शॉर्ट। इज इट इट लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन्स हाइट से होता है। लॉन्ग इज द हाइएस्ट वन एंड शॉर्ट इज द लोएस्ट वन। किसी भी चीज को जब हम दो चीज हमें मिलती है तो उसमें लॉन्ग जो है लंबी वाली होती है, शॉर्ट जो है छोटी वाली चीज होती है। तो इसी को आज इस चैप्टर में समझना है। हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स, इसमें एक इमेज दी गई है। इसमें लिखा है कि हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। इसमें जो डॉट्स है, देयर यू कैन सी सम डॉट्स, इजंट इट। डॉट ओ, डॉट डी, डॉट आई, डॉट बी, सभी डॉट्स का एक नाम रखा हुआ है और दो बच्चे इसे देख रहे हैं। आप भी देख सकते हैं। सबको डॉट के बीच की डिस्टेंस आपको इसमें समझ में आ रही होगी। सी, इन दोनों में ओ एंड डी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट से हम लोग सिर्फ हाइट ही नहीं, डिस्टेंस को भी समझा सकते हैं। जैसे डी एंड एच, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बट डी एंड बी का डिस्टेंस कम है। O एंड D का डिस्टेंस B एंड D के डिस्टेंस से भी कम है। तो इसी तरह से हम लोग दो डॉट्स को लॉन्ग एंड शॉर्ट का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसमें से सबसे लंबा डिस्टेंस कौन से दो डॉट में आएंगे, दैट यू हैव टू गेस। आई थिंक G एंड M विल बी द लॉन्गेस्ट डॉट, लॉन्गेस्ट रूट। G एंड M का लॉन्गेस्ट लग रहा है, लेकिन और D एंड H ये भी हो सकता है। तो आप लोग को क्या होगा कि स्केल लेनी पड़ेगी। स्केल लेकर यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ टू डॉट्स। स्केल इस तरह से होती है, एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं स्केल से। नाउ क्वेश्चन, गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट। अभी आपको सेंटीमीटर्स का जो है स्केल दिख रहा है, एक सेंटीमीटर में इतना डिस्टेंस होता है। तो अंदाजा करने के लिए कहा गया है कि ओ एंड डी का सेंटीमीटर कितना होगा। ओ एंड डी में 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम होगा, 0.8 सेंटीमीटर हो सकता है। हम लोग इसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। देन डी एन आई, डी एन आई का डिस्टेंस कितना है। डी एन आई में भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अब स्केल से नापिए कि आपकी कंपेरिजन ठीक है या नहीं। जैसे कि डी एन एच, डी एन एच का डिस्टेंस आपको कितना लग रहा है, 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर हो सकती है ये डी एन एच के बीच की दूरी। बट हो सकती है कह रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर। हम लोग श्योर नहीं है। श्योर होने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्केल। मैथ्स में श्योर होने के लिए स्केल जरूरी है। हम लोग सिर्फ अंदाजा लगाने से अप्रोक्सीमेटली जो आता है वही बता सकते हैं। नाउ विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। पहले आपको गेस करना है कि फार्देस्ट यानी सबसे दूर, सबसे लॉन्ग रास्ता कौन सा होगा। लेकिन उसके बाद यू हैव टू चेक योर आंसर। इट मे बी डी और एच, डी एन एच और जी एन एम। जी एन एम भी बहुत लंबा है, तो और के जी, ये डी एन एम। आई थिंक द लॉन्गेस्ट रूट विल बी डी एन एम। तो आप भी अपना गैस लगाइए और देन यू टेक वन स्केल एंड मेजर इट, तभी आपका आंसर आपको पता चलेगा। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, चेक योर आंसर। नियरेस्ट डॉट्स, नियरेस्ट डॉट्स इट मे बी ओ एन डी और एफ और एम, एफ एम। एफ एम और ओ डी के बीच में ही एक नियरेस्ट डॉट होगी, तो आप उसको चेक कीजिए। तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोग डिस्टेंस का अंदाजा लगाना सीख जाएंगे। आप लोग कितने दूर तक जा रहे हैं ये आपको कभी भी जाते वक्त पता चल जाएगा।
द शॉर्टर लाइन. तो यहाँ पे एक कहानी भी है, देयर इज वन स्टोरी गिवन. लेट्स सी. अकबर वॉज अ फेमस किंग. आप लोगों ने अकबर बीरबल की कहानी बहुत सुनी होगी, इसमें भी ऐसी एक कहानी है. अकबर जो है बहुत ही एक फेमस किंग है. ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल. अकबर के एक बहुत स्मार्ट मिनिस्टर बीरबल है. वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. एक बार अकबर ने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है बीरबल को सॉल्व करने के लिए दी. ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर. एक रेखा खींची, एक लाइन खींच दी. बीरबल, हियर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. और अकबर ने कहा कि बीरबल ये लाइन है, तुम इस लाइन को बिना रब किए ही, बिना इरेजर के यूज किए ही रब करो, छोटा बना दो. अब बीरबल तो बहुत बुद्धिमान है, तो नाउ योर लाइन इज शॉर्टर. उसने क्या बुद्धि किया, बीरबल ने एक लंबी लाइन खींची, अकबर के लाइन से भी लंबी. जब भी लंबी लाइन खींचती तो वो शॉर्टर हो गया, isn't it? तो लॉन्ग एंड शॉर्ट में यही अंतर है. जब तक अकबर की लाइन अकेली थी वही लंबी थी, जब बीरबल की लंबी वाली लाइन आएगी तो वो छोटी होगी. उससे लंबी लाइन आने से बीरबल की लाइन भी हम लोग छोटी कर सकते हैं. Look at the picture and explain how Birbal made Akbar's line shorter. Okay, we have already explained. अब आप लोगों की बारी है, आप भी explain कीजिए. Now, can you be as smart as Birbal? Make his line shorter without erasing it. Just think, is there any longest line? तो अभी आपको बीरबल के जितना ही बुद्धिमान बनने के लिए कहा गया है और बीरबल के लाइन को भी छोटा करके दिखाने के लिए कहा गया है, जो कि हमने कर ही लिया है. हमने इस लाइन को जब बना दी तो बीरबल की लाइन खुद से छोटी होगी. ट्राई दिस, ये कुछ ट्राई करने के लिए दिया है. मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म. उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें बताया है कि राइट आर्म हमें दिख रहा है इस लड़की का, उसको 1 सेंटीमीटर छोटा कर देना है लेफ्ट साइड में. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक वन स्केल एंड यू हैव टू मेजर दिस लेंथ ऑफ द हैंड. पूरे हाथ का लेंथ को आप मेजर करेंगे और इसको अभी इसमें अगर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का एक हाथ है, तो यहाँ पे आप लोग 1 सेंटीमीटर छोटा करने में, हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म. ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर होगी, तो 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म बन जाएगी. ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप. अगेन यू मेजर द कप एंड मेक, उस जितना भी मेजरमेंट निकलता है उसमें से माइनस 1 सेंटीमीटर करके 1 सेंटीमीटर छोटा एक कैप कप इसमें बनाना है. दिस इज वेरी इजी, इजंट इट? यू मेक इट नाइसली एंड कलर इट. ड्रॉ ए ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम. ये जो ब्रूम है उसका आधा, हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम, इसका आधा लंबा ब्रूम बनाना है. ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ. एक बाल है, इसके डबल लेंथ का बाल बनाना है, तो हम लोग अंदाजा से इतना बनाने से ये डबल लेंथ का हो जाएगा. नाउ पेज नंबर 15. हाउ टॉल हैव यू ग्रोन. आप कितने लंबे, हाउ टॉल यानी कितने ऊंचे हो गए हो, कितने लंबे हो गए हो, क्योंकि आप लोग अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, तो आपका साइज क्या है, बढ़ता है. तो क्लास 3 में आपकी हाइट कितनी थी, हमने एक लेसन में नापा था आपने वॉल में. उस समय क्लास 3 में जब थे तो एक निशान छोड़ी थी आपकी हाइट की, तो पहले वहां उस वॉल में आप अभी फिर से आप अपने को नाप कर एक निशान बनाइए. डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट. डू यू रिमेम्बर दैट. Do you think you have grown taller? क्या आप क्लास 3 से अभी 4 में पहुंच गए तो आप थोड़े से टॉलर हो गए हैं? How much? तो कितना? Have your friends also grown taller? How much के लिए मैंने कहा कि पहले अगर आपने नाप के रखी थी तो अभी आप फिर से नापिए, और अगर पहले नहीं नापी क्लास 3 में तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग एक वॉल के साइड में जाके खड़े हो जाएंगे और एक पेंसिल लेकर यहाँ निशान लगाएंगे, तो ये अकेले भी आप नाप सकते हैं. सर के ऊपर से एक निशान लगाएंगे, फिर मेजरिंग टेप हो या फिर स्केल हो उसके उसके उससे हम लोग नापेंगे. हैव योर फ्रेंड्स आल्सो ग्रोन टॉलर. और अपने फ्रेंड्स को भी पूछेंगे कि वे कितने टॉलर हुए.
आप इस आंसर को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाउ मच योर यू हैव गेन्ड योर हाइट, आपने अपनी हाइट कितनी बढ़ा ली है, इसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए. फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो. फ्रेंड्स नेम, फ्रेंड का नाम लिखिए, लास्ट ईयर हाइट इन सेंटीमीटर, उसका लास्ट ईयर का हाइट कितना था, दिस ईयर हाइट इन सेंटीमीटर, इसी तरह के सेंटीमीटर से आप नापेंगे इस साल का हाइट, और डिफरेंस बिटवीन हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हैव दे ग्रोन, कितना सेंटीमीटर भी ग्रो किया. अगर लास्ट ईयर तुम लोग 132 सेंटीमीटर के थे तो अभी 138 सेंटीमीटर के हो गए होंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसके डिफरेंस को, 138 माइनस 132 करने से जितना डिस्टेंस डिफरेंस आता है उतना सेंटीमीटर आप लोग बढ़ गए हैं. इस तरह से आप करके इस आंसर को आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए. झुंपा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो टॉलेस्ट पीपल है इस तरह का, तो उसके बारे में एक बार झुंपा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में पढ़े. वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल, उसमें से एक जो है टॉलेस्ट आदमी जो है वो 272 सेंटीमीटर टॉल था, दैट इज जस्ट डबल ऑफ झुंपाज हाइट, झुंपा के हाइट से डबल था. हाउ टॉल इज झुंपा, आप ये मेंटली आप जल्दी जल्दी करके बताइए कि हाउ टॉल इज झुंपा डैश सेंटीमीटर. डबल कहा जाया गया है मतलब कि 272 सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा क्योंकि वो उससे डबल बड़ी है, तो आप 2 से डिवाइड करो और फटाफट इसका आंसर आप लोग लिख दीजिए 100. यस है, आपको क्या करना है, वी नो दैट द हाइट ऑफ वन ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज ट्वाइस दैट ऑफ झुंपा, इन अदर वर्ड्स झुंपाज हाइट इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द वन ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. हाइट ऑफ वन ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज 272 सेंटीमीटर एंड झुंपाज हाइट इज हाफ करना पड़ेगा तो 272 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 136 सेंटीमीटर. मैंने अंदाजा ठीक ही लगाया था कि आप लोग अभी कोई 136 सेंटीमीटर के हो गए होंगे, तो कोई 138 सेंटीमीटर, इतना लंबे ही होंगे उससे ज्यादा नहीं. दस झुंपा इज 136 सेंटीमीटर टॉल, ये तो हो गया झुंपा का. अभी आप लोग देखिए कि आप लोग सबसे वर्ल्ड के जो टॉलेस्ट आदमी है उससे आप लोग कितना डिस्टेंस आपसे वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है. हाउ हिज हाइट इज एग्जैक्टली डबल माई हाइट, वाओ हिज हाइट इज एग्जैक्टली डबल माई हाइट, अरे ये तो बिल्कुल मेरे से डबल हाइट वाला है. Now imagine, could that person pass through the door of your classroom without bending? No, I don't think so. अगर आपकी double height का कोई आदमी है तो उसे थोड़ा सा bend होना ही पड़ेगा classroom के door से अंदर आते वक्त. Will his head touch the roof of your house if he stands straight? नहीं, roof तो नहीं touch कर रही होगी. No, his head will not touch the roof of our house. इतना लंबा भी नहीं. The long and short of your family. अब आपके family members के बीच में कौन long है और कौन short है ये दिखाना है, ये भी आप लोग मुझे अपने comment box में लिखेंगे. आप लोग जब comment box में लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक sentence लिखने का. कभी कभी एक word में answer देने से मैं थोड़ा सा समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, फिर मैं उसका answer नहीं दे पाती हूँ. Who is the tallest in your family? आपके घर में सबसे लंबे कौन है, ये तो आपको एक साथ अगर खड़े कर दें तब भी बता देंगे, अदरवाइज आप अपनी आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि सबसे लंबे कौन है. आपके पापा हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकती है, आपके भैया दीदी कोई भी हो सकता है, तो इसका आप लिखिए. हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स एंड उनको नापिए सेंटीमीटर्स में और उसका डिफरेंस निकालिए कैसे. द टॉलेस्ट जितना हाइट है टॉलेस्ट का, जितना हाइट है शॉर्टेस्ट का, उसको माइनस करनी पड़ेगी तो उसका डिफरेंस पता चलेगा. तो दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ इसमें हम लोग इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट करने जा रहे हैं, लेट्स सी. आप लोगों ने भी स्कूल में की होगी इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट रेस. अभी स्कूल स्पोर्ट्स मीट में रेस होने जा रही है. दिस इज अ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, 100 मीटर की रेस होगी. अरुंधति इज नियरेस्ट फिनिशिंग लाइन, अरुंधति जो है वो फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब है, नियरेस्ट है. शी इज अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट, तो अरुंधति इज अबाउट 6 मीटर, ये 6 मीटर में जो है यही अरुंधति है, हमने
ए लिख दिया है बिकॉज शी इज अरुंधति. बिहाइंड हर इज रिहाना, ये रिहाना. कोंकोना एंड उमा रनिंग बिहाइंड रिहाना, दिस इज रिहाना एंड कोंकोना एंड उमा आर बिहाइंड रिहाना. टू लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंसेस. अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दी गई है 3 मीटर्स, 6 मीटर, 10 मीटर्स एंड 15 मीटर्स के डिस्टेंस में. जैसे कि अरुंधति जो है 6 मीटर डिस्टेंस में है और रेहाना कितने अभी डिस्टेंस में है. हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति. अब अरुंधति से रेहाना कितने डिस्टेंस में है ये हमें देखना है. ये सब मेंटल मैथ्स की तरह है. इसमें बताया गया है हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति. रेहाना अरुंधति से कितने दूर है, वो 3 मीटर डिस्टेंस होगा. इसमें दिया ही गया है, इसमें से कुछ लिखना है 3 मीटर ही होगा क्योंकि 10 मीटर डिस्टेंस दिख नहीं रहा है यहाँ पे. आपको ऐसे लिखना है बाय ऑब्जर्विंग द फिगर वी सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन रेहाना एंड अरुंधति इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ रेहाना फ्रॉम कोंकोना एंड उमा. सो द डिस्टेंस बिटवीन रेहाना एंड अरुंधति इज 3 मीटर्स क्योंकि कोंकोना और उमा ज्यादा पीछे है. नेक्स्ट नंबर बी. बी में क्या दिख रहा है कि हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकोना एंड उमा. अब रेहाना कोंकोना और उमा से कितने आगे हैं, इसमें दी गई थी 3, 6, 10 एंड 15. तो कितने आगे रेहाना है. बाय ऑब्जर्विंग द फिगर वी सी दैट द डिस्टेंस ऑफ रेहाना फ्रॉम कोंकोना एंड उमा इज डबल द डिस्टेंस बिटवीन रेहाना एंड अरुंधति. रेहाना से कोंकोना और उमा का जो डिस्टेंस है वो डबल है रेहाना और अरुंधति के डिस्टेंस से. डबल डिस्टेंस में कोंकोना एंड उमा है तो दस रेहाना इज 6 मीटर्स अहेड ऑफ कोंकोना एंड उमा. तो रेहाना जो है 6 मीटर्स के डिस्टेंस में होगी क्योंकि रेहाना एंड अरुंधति के बीच में 3 मीटर्स डिस्टेंस था. अब हम ये देख रहा है कि यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस होता है ये डबल पीछे ये लोग हैं तो डबल करना पड़ेगा 6 मीटर्स को और रेहाना इज 6 मीटर्स अहेड ऑफ कोंकोना. ये थ्री मीटर डिस्टेंस है, 3 मीटर डबल हो जाएगी तो 6 मीटर. 6 मीटर डिस्टेंस में रेहाना एंड कोंकोना है, कोंकोना एंड उमा है. हाउ फार आर कोंकोना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन. अब कोंकोना एंड उमा कितने दूर में है आप इसको ऐड कीजिए. फिनिशिंग लाइन यहाँ है, यहाँ से अरुंधति का 6 मीटर प्लस 3 मीटर 9 मीटर प्लस 6 मीटर 9 मीटर प्लस 6 मीटर 15 मीटर्स 15 मीटर्स के डिस्टेंस में है उमा एंड कोंकोना. इसको ऐड करने से हमें पता चल जा रहा है अभी ये पूरा अगर हम देखें तो 15 मीटर के डिस्टेंस में है. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस सिंस रेहाना इज 6 मीटर्स अहेड ऑफ कोंकोना एंड उमा. अरुंधति इज 3 मीटर्स अहेड ऑफ रेहाना एंड अरुंधति इज 6 मीटर्स बिहाइंड द फिनिशिंग लाइन. डिस्टेंस ऑफ द फिनिशिंग लाइन फ्रॉम कोंकोना एंड उमा विल बी 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 6 मीटर विच इज इक्वल टू 15 मीटर. इस तरह से आपको लिखना है. Thus, Konkona and Uma are 15 meters far away from the finishing line. So, Konkona and Uma jo hai 15 meters away hai finishing line se. Have you heard about a 1500 meter or 3000 meter race? You remember that 1000 meters make 1 kilometer and 500 meters make half a kilometer. क्या आपको ये फॉर्मूला याद है 1000 मीटर इज इक्वल टू. आप लिख लीजिए अभी, कॉपी निकालिए पेन निकालिए लिखिए. 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 500 मीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. अब 1 मीटर कितना होता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे घर रास्ते से 1 मीटर अंदर है. 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर. ये स्केल जो है 24 सेंटीमीटर की है, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ. तो 24 प्लस 24 कितने टाइम्स करने से 100 सेंटीमीटर होता है, उतना ही 1 मीटर होगा. आप लोग 24 सेंटीमीटर की अगर आपकी स्केल है उसको ऐड करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि 1 मीटर की डिस्टेंस कितनी होती है. हम लोग 1 मीटर कपड़ा भी खरीदते हैं, 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद के लेकर आते हैं. So you can say in a 1500 meters race people run how many kilometer. अगर race 1500 meters की होती है तो कितने किलोमीटर गए.
सो यू कैन से इन ए 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर इन ए 3000. तो इसको हम कैसे निकालेंगे अभी. वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है एंड हाफ किलोमीटर में 500 मीटर होती है. तो अभी हमें निकालना क्या है. नाउ 1500 मीटर, 1500 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर प्लस 500 मीटर. 1500 में क्या हो रहा है, 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500. तो हम लोग 1000 प्लस 500 मीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर हमने इसको ब्रेक किया है. एंड 1000 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है तो हमें डिवाइड करना है तभी किलोमीटर में चेंज होगा. प्लस 500 मीटर, 1 किलोमीटर प्लस हाफ किलोमीटर, 1 एंड ए हाफ किलोमीटर. हमें क्या पता चला, 1500 मीटर्स इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर. वेरी इजी. अगर इतना सॉल्व ना भी करें तभी आप बिल्कुल मेंटली इसको बता सकते हैं. इन ए 1500 मीटर्स रेस पीपल रन 1.5 किलोमीटर, देन 3000 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 3000 डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए तो 3 किलोमीटर होगा. इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन 3 किलोमीटर. निकालना आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता हो. आपको ये पता करना है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तभी आप 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर इसको अच्छे से आपको आराम से आप कर लेंगे. हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर. आपने कभी मैराथन रेस के बारे में सुनी है जिसमें लोगों को 40 किलोमीटर रन करनी पड़ती है. हमने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक का प्रॉब्लम सॉल्व किया है. अभी 40 किलोमीटर. People run marathons on roads because the track of a stadium is only 400 meters. क्योंकि track जो होती है वो 400 meters की होती है. पूरा 1 kilometer भी नहीं होता है 400 meters होने से, क्योंकि 1000 meter होने से 1 kilometer होता, तो track बहुत छोटी होती है. 10 rounds of a stadium track is equal to how many kilometer? अब 400 meters होती है तो आपको अगर 10 राउंड्स लगा लिए आपने ट्रैक की पूरी तो कितने किलोमीटर हो जाएगी. उसके लिए भी आपको उसी फॉर्मूला को पुट करना है. कैसे, वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. पहले इसको लिखेंगे. लेंथ ऑफ द स्टेडियम ट्रैक इज 400 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज 400 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स. अब 10 राउंड्स में कितना करेंगे तो 400 इंटू 10, 10 टाइम्स राउंड. 400 मीटर के फील्ड में हम लोग 10 टाइम राउंड कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा 4000 मीटर. अब इजी हो गया, 4000 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो किलोमीटर में हमें चेंज करना है तो तब क्या हो जाएगा कि 4 किलोमीटर. 10 राउंड्स ऑफ ए स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू 4 किलोमीटर. अगर आप 4 किलोमीटर का आपको दौड़ना है तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप लोग उसमें 10 राउंड लगाइए अपने स्टेडियम के ट्रैक में. आप समझ में आ रहा है ना. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी, बट आस्क द फुल, यू गिव इन द कमेंट बॉक्स, यू राइट द फुल सेंटेंस, ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी. सो इफ यू रन ए मैराथन ऑन ए स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड. अब मैराथन 40 किलोमीटर की जाती है. हम लोग 10 किलोमीटर, 10 राउंड में हम लोगों ने सिर्फ 4 किलोमीटर ही ट्रैक को हम लोग घूम पाए हैं, 4 किलोमीटर हुआ है. तो अब 40 किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. टोटल लेंथ ऑफ द मैराथन रेस 40 किलोमीटर होती है तो 40 × 1000 मीटर इज इक्वल टू 40000 मीटर. 40000 मीटर हमें डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज 400 मीटर, क्योंकि 1 राउंड में ट्रैक तो 400 मीटर की होती है. नंबर ऑफ राउंड टू बी टेकन टू कंप्लीट द रेस इज 40,000 divided by 400, which is equal to 100. So, if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete 100 rounds. बच्चों, maths एक चीज ऐसी है कि आप सुन के नहीं कर पाएंगे. जब मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो you have to take one pencil and copy and आपको अपने से करते हुए जाना है, तभी आप समझ पाएंगे. और अभी इसको बिना बोर्ड के आपको समझाना मेरे लिए भी मुश्किल है. But You do one thing, जब भी मेरा क्लास करे एक पेंसिल और एक रफ कॉपी जरूर ले लीजिएगा. सिर्फ सुनने से नहीं आप कर पाएंगे और इसको 2-3 बार करने से आपको आ जाएगा. Now
लॉन्ग जंप, दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। सो आज हमने देखा कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर हम लोग को समझ में आ गया, 1000 मीटर भी हमें समझ में आ गया। तो आप लोग एक काम कीजिए कि आज आप अपने पेरेंट्स के साथ अर्ली इन द मॉर्निंग, आज नहीं होने से भी कल होने से कम 1 किलोमीटर आप वॉक कीजिए और आप पता लगाइए कि 1 किलोमीटर तक अगर हम लोग जाए तो कितना दूर जा सकते हैं। ओके, प्लीज पेरेंट्स को भी यह है कि थोड़ा हेल्प कीजिए बच्चों को, 1 किलोमीटर तक अगर वे चल ले उनको पता चल जाएगा कि मेजरमेंट कैसे करनी है। नाउ देयर इज अबाउट लॉन्ग जंप, सो लॉन्ग जंप वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। पहले आपका ये क्लियर हो जाए और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालूंगी मैथ्स का, बट ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप 2-3 बार मेरे वीडियो को देखकर आप एक पेंसिल लेकर उसको नोट डाउन कीजिए एंड यू इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कमेंट मी बट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू दैट आपको पूरा क्वेश्चन पूरा लिखना है, आपका जो भी डाउट है उसको पूरा लिखना है, अदरवाइज आई एम नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन। सो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने वाली हूँ मैथ्स के। तो आप बेल आइकन अगर दबा कर रखेंगे तो आपको पूरे नोटिफिकेशंस जो है सबसे पहले मिल जाएंगे। आज मैं इंग्लिश का नहीं दे पाई बिकॉज मेरा लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। सो नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू द इंग्लिश वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू, आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए एंड कीप लर्निंग।